हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुशील टेक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना और चलाना सिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वंडर शेयर कंपनी का फिल्मोरा। ये सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग करने के काम आता है। अगर आप अपने जैसे शादी की वीडियो, अब किसी के बर्थडे की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, या यूट्यूब पर अगर कोई अपना चैनल बनाकर वीडियो अपलोड करना चाहता है, उसके लिए एडिटिंग करना चाहता है, तो मैं इसमें आपको पूरी तरह से एडिट करना, पूरी हर चीज़ सिखाऊंगा मैं। और बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप गूगल में टाइप करेंगे डाउनलोड फिल्मोरा, DOWNLOAD डाउनलोड FILMORA फिल्मोरा, और एंटर कर देंगे। जैसी सबसे पहली वेबसाइट आती है filmorawondershare.com, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे ये साइट है, इसका साइट का नाम है filmora.wondershare.com वीडियो एडिटर। इस साइट को हमें ओपन करना है और यहाँ से डाउनलोड करना है। जब ये साइट ओपन हो जाती है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये साइट ओपन हो गई है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्री डाउनलोड बाय नाउ। ये सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो उसमें जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो थंबनेल आता है, अदरवाइज़ अगर परचेज करेंगे तो कोई थंबनेल नहीं आएगा। और जितने भी प्लगइन्स हैं सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, या इस फ्री डाउनलोड वाला, इस पर क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर मैक के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं, ये इस डाउनलोड के लिए ऑप्शन है फिल्मोरा 9, फिल्मोरा प्रो, फिल्मोरा SCRN। तो हमें इसमें चाहिए फिल्मोरा 9। अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए, अगर आपके पास विंडो है तो विंडो के लिए। तो आप इसको विंडो के लिए डाउनलोड करो, जिसके पास मैक हो मैक, आपको बस इस पर क्लिक करना है। और थोड़ी देर के बाद डाउनलोडिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है तो आप ये जो आ रहा है लिखा हुआ, इफ़ इट डज नॉट रीस्टार्ट द डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो डाउनलोडिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसको बंद करता हूँ, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके की फाइल डाउनलोड होगी। ये फिल्मोरा 64-bit फुल 846EXE। अगर आप थोड़े दिन के बाद डाउनलोड करोगे तो कुछ अलग हो सकती है, अभी करोगे तो इस टाइप की है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इसका सेटअप शुरू कर देंगे। ये डबल क्लिक किया, ये सेटअप शुरू कर दिया। इसमें ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, कौन सी लैंग्वेज हमें करनी है। तो आप किसी भी कंट्री के, जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट करो, नहीं तो अदरवाइज यू विल सेलेक्ट इंग्लिश एंड क्लिक ओके। अभी ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मैसेज दे रहा है, ये मैसेज मुझे पॉपअप करा है, द सेटअप हैज़ डिटेक्टेड द अनदर वर्जन इज़ ऑलरेडी ऑन योर कंप्यूटर, टू इंस्टॉल करंट वर्जन इट हैज़ टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो अभी तो मैं इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मेरा मेन पर्पज़ आपको इसको चलाना सिखाना है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और मैं आपको अब सिखाता हूँ कि अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके चलाएंगे। ये इस तरीके से ऑन होगा, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये इसके अंदर ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। तो अभी आप नए हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे
और फिल्मोरा को ओपन कर देंगे। अब आप देख रहे हैं इस टाइप की फिल्मोरा की विंडो ओपन आ गई है। अब मैं आपको इसमें जब भी नए नए कुछ प्लगइन्स आते रहते हैं ये पॉपअप करता रहता है। जब भी आपको अगर आपने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ परचेज किया हुआ है तो आप इसको इससे प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो विंडो है ये फर्स्ट टाइम ओपन होती है। इसमें आप मीडिया फाइल, कोई भी मीडिया फाइल इंपोर्ट करके उसमें एडिट कर सकते हैं। ये नॉर्मली फाइल मेन्यू है। उसके बाद ये आपके इसके अंदर के इफेक्ट जो होते हैं, प्लगइन्स, टाइटल, ऑडियो वगैरह, ये उसका मेन्यू है। इसको मैं बंद करता हूँ और मैं आपको एक फाइल के बारे में बताता हूँ। ये फाइल मेन्यू, फाइल में मेन्यू में आपको मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई कोई आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो सेव करके रख सकते हैं, फिर बाद में ओपन करके फिर कर सकते हैं। ओपन रीसेंट यानी कि नए किसी प्रोजेक्ट में काम किया वो डालने का खोल सकते हैं। इम्पोर्ट मीडिया, आप अपने जिस फाइल को, वीडियो फाइल को एडिट करना है उसको इम्पोर्ट इसमें कर सकते हैं, जैसे कि वेब कैम से है या फिर कैमरे से है, या आपने पहले से इसमें सेव करके वहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड मीडिया, ये आपको आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्लिकर से डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन देता है। रिकॉर्ड मीडिया, रिकॉर्ड यानी कि डायरेक्ट वेब कैम से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें इंपोर्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग है, इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ये आपका प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस में आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज कौन सी रखनी है, किस फोल्डर में डाउनलोड होने के बाद और एडिटिंग होने के बाद किस फोल्डर में करना है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिटिंग में आपको किस चीज़ की ड्यूरेशन कितनी डालनी है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। वैसे वो आपको जब आप इसमें एडिटिंग करते हैं तब भी ड्यूरेशन जो इसके अंदर सेट है, जो ड्यूरेशन यहाँ पर सेट है वो आती है, आप उसको स्ट्रेच करके, स्क्यू करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद ये है सेव का ऑप्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि कहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हैं। ये लोकेशन है, ब्राउज़र ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के अंदर आपको अगर आपके पास बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो इनेबल जीपीयू कर सकते हैं। अभी मेरे पास एनवीडिया का GT740 ग्राफिक कार्ड है तो इसने अपने आप ही ले लिया। ओके करके इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू जब इनेबल होता है जब आप इसमें कोई फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर ये टूल्स मेन्यू है, टूल्स मेन्यू में वही सेम है, इंपोर्ट, व्यू, शॉर्ट, शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट बाय ड्यूरेशन, जैसे विंडो में फाइल शॉर्ट करते हैं वैसे ही शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जब आप अपनी एडिटिंग पूरी कर लेते हैं, एडिटिंग पूरी करने के बाद उस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल में, AVI में, MP4 में, डायरेक्ट यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट आईफोन में भी डाल सकते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये एक्सपोर्ट यहाँ भी मिलेगा, ये एक्सपोर्ट आपको यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया है, ये हमारा वर्किंग एरिया, यहीं पर ही हम अपनी ऑडियो फाइल इंपोर्ट करते हैं, अपनी वीडियो फाइल इंपोर्ट करते हैं, पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, सब इसी के अंदर करते हैं। और ये जो एरिया है ये हमारा प्रीव्यू एरिया है, जो भी हम एडिटिंग करते हैं या वीडियो डालते हैं उसको यहाँ पर हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं और कुछ भी कमी है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ, ये मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ। फाइल मैंने डेस्कटॉप पर एक डाली है, अभी अभी उसको लेता हूँ। ये डाली है मैंने, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी आपको एक मैसेज दे रहा है, क्रिएट प्रोक्सी फाइल फॉर फास्टर एडिटिंग परफॉर्मेंस, यू कैन वर्क विद द स्मॉलर प्रोक्सी कॉपीज व्हेन एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट विल रेंडर विद योर ओरिजिनल फुल क्वालिटी मीडिया। यू कैन ऑल्सो रीसेट द प्रेफरेंसेस सेटिंग्स
सॉरी परफॉर्मेंस सेटिंग्स लेटर इन प्रेफरेंसेस डू यू शो दिस मैसेज अगेन। मैं इसको कहता हूँ कि ये दोबारा मैसेज शो ना करे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चेक अनचेक कर सकता हूँ और इसको मैं नो करता हूँ। फिलहाल मुझे जैसी फाइल है वैसे ही भाई एडिटिंग कर रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी फाइल प्रोजेक्ट एरिया में आ गई है। अब आप इसको एडिटिंग करने के लिए यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ला कर छोड़ सकते हैं, एक दो तीन कितने किसी भी एरिया में छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको सेकेंड एरिया में छोड़ता हूँ। अब ये बोल रहा है मैच टू मीडिया डोंट चेंज, ये भी इसीलिए क्योंकि कुछ फाइल का रेजोल्यूशन अलग होता है, तो ये उसको मैच करने के लिए बोलता है। मगर इसमें करेंगे तो टाइम लगाएगा। आप चाहो तो इसको यस भी कर सकते हो। अभी मैं डोंट चेंज करता हूँ आपको सिखाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये फाइल इसके अंदर आ गई है। इसको मैं पहले प्ले करके देखता हूँ। प्ले करिए। अब इसके अंदर ये क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये मैंने मैच मीडिया नहीं किया तो ये वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ये मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ से वापस डिलीट कर देता हूँ एडिटिंग एरिया से। ये फाइल यहाँ पर ही है, इसको मैं वापस इंपोर्ट करता हूँ एडिटिंग एरिया में और ये मैच मीडिया कर देता हूँ। मैच मीडिया करने के बाद ये फाइल उसके अंदर प्रॉपर दिखेगी। तो आपने देखा अब ये वीडियो आ गई है। पहले मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कैसे चल रही है। ये मेरे पर्सनल वीडियो है तो मैं इसमें एडिट करके देखूँगा। अब जैसे आप इसमें एडिट करते हैं, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहले मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब आप इसको चला कर देख रहे हैं जैसे इस वीडियो को। अब आपको सबसे पहले वीडियो में क्या करना था, जो बेकार चीज़ें जो जंक चीज़ें हैं उसको आपको हटाना है, ठीक है। ये अब ये देखो, ये जो यहाँ पर ये टाइम आ रहा है ना, इस पर एक एरो आ रहा है दोनों साइड का। आप इस पर करके वीडियो के साइज को, स्ट्रेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे माउस से क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि एडिट करना हो। अब जैसे ये मैं वीडियो शुरू से लगाता हूँ, ये देखो सबसे पहले ये फ़ोटो आ रही है। इसको मैंने पॉज किया। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये जो बटन है ये प्ले का, बैक करने का, फॉरवर्ड करने का, पॉज करने का, ये पॉज बटन है। इसको इनको भी आप एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो, जब सबसे पहले क्या, ये दो फोटो, ये फ़ोटो आ रही है, ये फ़ोटो आ रही है, पहले ये फ़ोटो आ रही है, बिल्कुल अजीब सी लग रही है। शुरू में इस फ़ोटो आने का कोई मतलब नहीं बनता, हो सकता किसी के लिए मतलब बनता हो, मेरे को ऐसा लग रहा है ये बेकार है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं प्ले करूँगा, ये प्ले करूँगा, ये फ़ोटो हट गई। अब इतनी फ़ोटो, ये अब ये हट गया, सामने की सीनरी है। थोड़ा सा और आगे करता हूँ, ये सामने की सीनरी है। अब मैं इसको आगे बढ़ाकर, और ये जो एरिया था ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये जो एरिया है जिसमें वो आगे एक लेडीज़ की और एक बच्चे की फ़ोटो आ रही है जो इसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही है, ये फ़ोटो को मैं हटाता हूँ। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर कुछ टूल बने हुए हैं, ये टूल बने हुए हैं, इन टूल को काम में लेंगे। इन टूल को काम में लेने के लिए क्या करेंगे, ये कट का ऑप्शन है, ये कैंची बनी है ना, इससे कट करेंगे। अब ये क्या है, ये इतनी वीडियो अलग हो गई है। अब क्या करेंगे, हमें एडिट करनी है, इस वीडियो को हम हटा देंगे। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन है कट का, इसको कट कर देंगे, ये वीडियो हट गई है, और इसको वापस आगे कर देंगे। अब हमें अपनी वीडियो शुरू करनी है यहाँ से, ठीक है। इसको चला कर देखेंगे, जैसे कि ये बच्चा झरने के बाद बैठा हुआ है। सबसे पहले तो हमें अपनी पूरी वीडियो को चला कर और उसको फिल्टर करना है कि क्या चीज़ इसमें पार्ट रखने वाला है, क्या चीज़ रखने वाला नहीं है, इनको फिल्टर करके हटाना है। ये अगर हमें सीनरी दिखानी है तो सीनरी पे फोकस करेंगे,
पब्लिक को, फालतू की पब्लिक जो भी उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक सही चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि थोड़ा सही है, आगे बढ़ा कर देख सकते हैं। कहीं पे कुछ अनवांटेड हो तो एडिट कर लो। जैसे ये जूम इफेक्ट है, ये ठीक है, जैसे ये फिर आ गया, ये बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम अब हमें थोड़ा सा बैक से काटना है, तो हमसे थोड़ा ये जो बटन है, ये मैंने आपको जो बटन दिया, इसमें ये बटन है बैकवर्ड लेफ्ट का, और ये एक है फॉरवर्ड का, राइट का। तो हम इसको बैकवर्ड करके पीछे करेंगे थोड़ा, और जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर हरा है, यहाँ पर फिर हम ये कैंची से, ये जो कैंची है स्प्लिट का ऑप्शन है, यहाँ से कट कर देंगे और फिर इसको प्ले करेंगे। जितना हमें काटना है उतना चला कर प्ले कर देंगे। ये इतना हमें प्ले काटना है। अब हम इसको कैंची करेंगे, कट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और ये बीच का जो हिस्सा, उस पर राइट क्लिक करके फिर इसको डिलीट कर देंगे। तो ये बीच का हिस्सा हट गया, और इसको फिर आगे बढ़ा देंगे और फिर इसको प्ले करेंगे। ऐसे ही हम पूरी वीडियो को देख कर, जो भी हमें इसमें अनवांटेड स्पैम टाइप का लगता है उसको हम हटा देंगे। सबसे पहले हमारी फ्रेश वीडियो तैयार हो गई, ठीक है। ये वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग देनी है, ये वीडियो किस चीज़ की है, क्या है क्या नहीं है। उसके लिए हम बिल्कुल फ्रंट पर आ जाएंगे, फ्रंट से मतलब बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम पर आ जाएंगे। और फर्स्ट फ्रेम पर आने के बाद अब यहाँ पर है टाइटल, टाइटल पर क्लिक करेंगे। टाइटल पर आप देख रहे हैं बहुत सारे टाइटल मिल रहे हैं। अब हम उसके अंदर से इस वीडियो का जो भी टाइटल है कस्टम, अगर आप कस्टम जब आप बनाते रहोगे तो आप उनको सेव भी कर सकते हो, और अदरवाइज इसमें जो कस्टम टाइटल मिलेंगे आप उसको भी ले सकते हो। अब जैसे कि मैं ये वाला टाइटल ले रहा हूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैसा है। ये ऐसा है, योर हेडलाइन हेयर, मैं इसी को लेता हूँ आपको बताने के लिए, इसको लेता हूँ। इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पर ले आऊँगा इसको, और अब चला कर देखेंगे ये कैसे चल रहा है। ये वीडियो के साथ ऐसे तरीके से चल रहा है। अब मैं इसको, इस टाइटल को नाम, इसका नाम डालूँगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, इस फ्रेम पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड, एडवांस पर क्लिक करेंगे। ये टाइटल आ गया है। अब ये है योर हेडलाइन हेयर। तो अभी मैं तीन है, तो तीन में से यहाँ से ये डिलीट के ऑप्शन से, ये रिसाइकिल भी ना, यहाँ से डिलीट करके इस टाइटल को हटा दूँगा और इस यूअर को फोकस करूँगा, और इस पर लिखूँगा जैसे जहाँ की ये वीडियो है, जो आप बताना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे या एक्स वेट्स वाई, इस तरीके से जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल। अभी मैं ये जम्मू के किसी पार्क की फ़ोटो, तो मैं वहाँ का नाम लाता हूँ। जे ए एम जम्मू बाहू पार्क, ये मैंने इसका टाइटल रख दिया है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप कहीं भी डालना चाहें वहाँ डाल सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। इसको आप प्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये टेक्स्ट फिल का ऑप्शन है। टेक्स्ट फिल के अंदर तीन ऑप्शन है, टेक्स्ट फिल, ग्रेडियंट फिल, इसमें आप डबल शेड दे सकते हैं। एक तो वाइट है, दूसरा शेड आप रेड दे सकते हैं, तो ये डबल शेड में आ जाएगा। इस तरीके से आप डबल शेड कर सकते हैं, और
नहीं तो किसी इमेज को भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कस्टमाइज करके इमेज डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल टेक्स्ट फिल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप जब ये वीडियो शुरू होगी सबसे पहले क्या आएगा, इसमें नंबरिंग आएगी, देखो ये नंबरिंग आ रही है, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देते हैं, एक हमारा नंबरिंग का काम हो गया। नंबरिंग आप अपनी मर्जी से कितनी सारी नंबरिंग है यहाँ पर देखो, आप इतनी सारी नंबरिंग है, सब कोई भी अपनी मर्जी की नंबरिंग ले सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो। दूसरा होता है ऑडियो, आप हर वीडियो के अंदर चाहो तो गाना डाल सकते हो, मगर अगर आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, घर में देने के लिए, शादी की, बर्थडे की, तो आप इसमें कोई भी गाना डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये वीडियो किसी सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए, तो आप उसमें देखो हर गाना किसी न किसी कंपनी का होता है और उसमें कॉपीराइट लगता है। अगर कॉपीराइट लगेगा तो वो आपकी वीडियो को डिलीट कर देगा, या अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो इस वीडियो में जो भी व्यू आएंगे, उसकी जो भी कमाई होगी, उसके पैसे किसी और के पास जाएंगे जिसका वो ऑडियो होगा, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना है कि ऑडियो और किसी भी पिक्चर को अगर किसी और का कॉपीराइट है तो उसको ना डालें और उसकी टर्म एंड कंडीशन से डालें। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें कोई भी गाना ले लेता हूँ, जैसे मुझे घर के लिए बनानी है वीडियो, इसमें आप गाना चलाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम चेंज करता हूँ, आपको पता लग जाएगा क्या है। ड्रिफ्ट, वैसे फिल्मोरा क्लेम करता है कि ये सारे कॉपीराइट फ्री हैं, मगर इसमें से कोई एक आदि गाना होगा जो कॉपीराइट फ्री होगा, बाकी सब पे कॉपीराइट लगा हुआ है किसी न किसी का। तो अब मैं, ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे ऑडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑडियो में डाल दिया है। भाई आपकी वीडियो बड़ी है, ये गाना छोटा है, तो आप इसको एक की जगह दो बार कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था इसमें स्क्वीज और स्क्यू करने का ऑप्शन आता है, तो मैं इसको स्क्यू करके अपनी वीडियो की क्वालिटी के बराबर ले आऊँगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, जो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ध्यान नहीं देता, कि अगर गाने के अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, तो आप उसमें क्या होगा, आपकी आवाज़ और गाने की आवाज़ दोनों तेज़ होगी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑडियो पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑडियो का मेन्यू खुल जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये मैं आपको फिर हाईलाइट करके बताता हूँ, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देख रहे हैं सबसे पहले ऑप्शन है वॉल्यूम का, और इधर फेड इन, फेड आउट, पिच, इक्वलाइजर, डीनोइज। ये डीनोइज ऑप्शन इसके लिए, जैसे अगर आप कहीं पे आपने रोड पे वीडियो रिकॉर्ड करी तो बाहर का शोर ज़्यादा आता है, इसको डीनोइज करोगे। इसके अंदर डीनोइज के तीन ऑप्शन है, वीक, मिड और स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो नॉइस बहुत बिल्कुल कम हो जाएगी, मिड करेंगे तो थोड़ी कम होगी, और वीक करेंगे तो थोड़ी कम होगी, यानी कि पीछे की आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। और ये ऑप्शन है वॉल्यूम का, इसको आप नीचे करेंगे तो आपका म्यूजिक जो है वो कम सुनाई देगा और आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा। ये वॉल्यूम का, इसमें आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, अपना म्यूजिक ज़्यादा कर सकते हैं और वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद क्या है, इसको मैं पॉज करता हूँ। अब सबसे लास्ट में होता है एंड स्क्रीन, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं या वैसे ही बना रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे थैंक यू फॉर वॉचिंग, या मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उसके लिए भी आप टाइटल में जाएंगे और कोई भी टाइटल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, और इसको मैं लेके
ये लास्ट में डालता हूँ। देखो यहाँ पर अभी क्या आएगा, अभी चल रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको एडिट, वही डबल क्लिक करके एडिट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और जैसे यहाँ पर ये जैक एंड मैरी लिखा हुआ है, इसको एडिट करेंगे। इसको एडिट करने के लिए ये जैक एंड मैरी पे को सिलेक्ट करेंगे, इसमें लिख देंगे THANK थैंक्स फॉर WATCHING थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपको बड़ा लग रहा है तो इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट छोटा करने का भी ऑप्शन है 48। और एक चीज़ और, अगर आपको इसको और लग रहा है और भी बड़ा है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, एंटर करेंगे 4 पे एंटर करेंगे, ये आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको सेंटर में लाना था, ये जो फॉन्ट की सेटिंग होती है इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, जैसे वर्ड और एक्सेल में होती है। अब ये जैसे 12, 12, 17 ये यूजलेस है, इसको हटा देंगे। जैसे ये डेट है, अगर आपको डेट डालनी है डेट डाल दो, इसकी जगह कुछ और लिखना कुछ और लिख दो, और हटाना है तो इसको ये एडवांस में जाकर और इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो जाएगा, ओके कर दो। अब आप देख रहे हैं कि ये अब इसका लास्ट में जो चलेगा, जब ये वीडियो खत्म होने को भी तो लास्ट में चल रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसमें और भी अलग तरीके के डाल सकते हैं, मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको हटाता हूँ, दूसरा डालता हूँ। ये है कोई सिंपल सा लेते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा और हो गया है। टाइटल्स बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई भी ले सकते हो आप, सब टाइटल एंड क्रेडिट सब टाइटल लोअर सब टाइटल टाइटल्स, मैं टाइटल्स लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ डबल क्लिक करके, योर टाइटल हियर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ THANK थैंक्स फॉर WATCHING थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 80 से मैं 68 कर देता हूँ, इससे भी छोटा कर देता हूँ 64, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर योर प्रेजेंट है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब और इसको ओके कर देता हूँ। अब ये एक मेरा बढ़िया से सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब मेरा स्टार्टिंग तैयार हो गई है, एंड तैयार हो गया है। अब एक चीज़ और है, आप चाहो तो वो डाल सकते हो और आपको डालनी भी चाहिए। जैसे बीच में ये थोड़ी वीडियो को छोटी छोटी थोड़ी 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 दूर पर आप उसको स्प्लिट कर दो, ये जैसे कि यहाँ पर स्प्लिट की, फिर यहाँ पे इधर लाए, यहाँ स्प्लिट की, फिर यहाँ स्प्लिट की, यहाँ स्प्लिट की। स्प्लिट करने के लिए आपने ये सीजर का जो आइकॉन है उससे आप स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ स्प्लिट की, यहाँ स्प्लिट की, यहाँ स्प्लिट की, यहाँ स्प्लिट, बीच बीच में कहीं भी स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई शादी की वीडियो है तो कोई चेंज हो रहा है वहाँ स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कि बिना बात के कहीं भी स्प्लिट करनी है, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ स्प्लिट करो। स्प्लिट से क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी स्प्लिट कर देता हूँ, ये स्प्लिट कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने स्प्लिट की है, इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है, इसको हम ट्रांजिशन डाल सकते हैं इसके अंदर।
ट्रांजिशन कैसे डालेंगे, जैसे ये दो वीडियो, इसको मैं फिर थोड़ा सा फैला के बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखे, जैसे ये वीडियो है, ये यहाँ से मैंने स्प्लिट किया है, स्प्लिट करके ही आएगा वो, बिना स्प्लिट के नहीं आएगा ट्रांजिशन, याद रखना। जैसे कि ये ट्रांजिशन है, देखो ये आपको उसमें दिखा रहा है कि इस तरीके से दूसरी वीडियो चेंज होगी, ये अलग अलग तरीके से ये ऐसे वीडियो चेंज हो रही है, और भी बहुत सारे हैं, मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और आपको सारे एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये दरवाज़ा, जैसे दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है, ये दरवाज़ा खुल रहा है। अब ये क्या है, देखो ये मैं वीडियो यहाँ पे मैंने कट किया ना, स्प्लिट किया हुआ है, स्प्लिट किया है, जहाँ से वहाँ से चलाता हूँ, ये स्प्लिट के आगे बढ़ गई आराम से अपना वैसे कैसे। मगर अगर मैं इस इफेक्ट को डालता हूँ, दरवाज़ा खुल रहा है या दरवाज़ा, इसको मैं बीच में डालता हूँ। अब मैं देखो ये क्या, अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और ये क्या होगा, देखो ये मैंने प्ले किया, इस इफेक्ट को सेम है, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं दूसरा इफेक्ट लेता हूँ। मैंने ये वाला इफेक्ट लिया, किसी ना किसी इफेक्ट में कुछ ना कुछ होता है, ये इफेक्ट दोनों सेम है, पता नहीं चल रहा। तो अब मैं जैसे ये इफेक्ट है, बॉक्स टर्न इसके अंदर जरूर दिखाएगा। कभी कभी कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि सीधी विंडो में दिखाते नहीं हैं, वो होते तो हैं मगर वो उसमें पता नहीं चलता। तो इसमें कुछ ऐसे ट्रांजिशन लेने पड़ते हैं जो दिखें, जिससे पता लगे कि हमने कुछ लिया। जैसे मैंने ये बॉक्स टर्न वाला ट्रांजिशन लिया है, ये देखो ये चेंज हुआ है ना। दूसरा, अगर हम दूसरा लेते हैं, ये लेते हैं, इसको चलाते हैं, तो ये देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर फ्लिप होगा। इसको चलाते हैं, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ऐसे बहुत सारे जितने भी इफेक्ट हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट वो ले सकते हैं। अभी जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांजिट इफेक्ट है, इसको मैंने लिया, ये देखो ये कैसे चेंज हुआ। तो हम ऐसे बीच बीच में जो भी कटे हैं उन्होंने हम डाल सकते हैं। अभी मैं इसको वीडियो को फिर छोटा करता हूँ और बीच बीच में डाल देता हूँ कट। इसको मैंने पॉज किया, मैंने इस समय अलग अलग डाल दूँगा। इसको ध्यान रखना, दोनों वीडियो दोनों कटर के बीच में होना चाहिए, साइड में होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। ये तो आएगा ही नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब ये देखो वीडियो चलेगी तो बीच बीच में इफेक्ट चेंज होते रहेंगे। बस इतना ही बताता हूँ, आगे नहीं बताता। अच्छा, अब हमारी वीडियो में क्या हो गया, फ्रंट स्क्रीन हो गई, नंबरिंग हो गई और एंड स्क्रीन भी हो गई। अब एक चीज़ और है, बीच में अगर हम बीच में टाइटल डालना चाहते हैं, नंबरिंग डालना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हमने खाने का चैनल बनाया है, जब हम खाने का चैनल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी सामान लेते हैं सामान दिखाते हैं कि हमने हल्दी लिया है, मिर्च लिया है, धनिया लिया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर है सबटाइटल में देख रहे हैं, बहुत सारी नंबरिंग, वो आप मैं और मर्जी के, ये देखो नंबरिंग, आपने जैसे कोई फिल्म में ये नंबरिंग बना सकते हो, ये हमने लास्ट में लिया, अभी हम इसको चलाते हैं, देखो बात को फिर मंदा कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही नंबरिंग आ रही है, इसमें हम अपने ना इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और इसमें अपना ना जो भी है एडवांस में सबके नाम लिख सकते हैं, और इनकी लिस्ट को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लिस्ट को आधा कर देता हूँ, ये डिलीट करके लिस्ट आधी कर दी और छोटा कर देता हूँ थोड़ी सी, याद कर दिया। मैंने चार नाम लिए हैं, क्रेडिट वन, क्रेडिट टू, क्रेडिट थ्री। अब इसमें कर सकते हैं जैसे कास्ट, HERO, हीरो, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, कोई भी डाल दें, TOMY, टॉमी,
ठीक है, ऐसे कुछ भी हम डालते रहेंगे, मैं डिलीट करता हूँ और फिर उसके बाद डालता हूँ हीरो। HERO हीरोइन, उसका नाम डाल दिया, ABC ऐसे कुछ भी डाल देंगे, वो हमारी नंबरिंग हो जाएगी। इसको ओके करेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो ये नंबरिंग आ जाएगी। देखो इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मैंने प्ले किया और ये देखो कास्ट आ गया, हीरो टॉमी हीरोइन ABC। ऐसे हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं, हम मतलब इसमें बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन सी एडिटिंग कैसे होगी। और हाँ, ये तो हो गया हमारा ऑडियो इफेक्ट, टाइटल, ट्रांजिशन, इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी वीडियो, आपको वीडियो रेट्रो इफेक्ट देना है, पुराना कोई आपको, कि आपको लगे वीडियो हमारी बहुत पुरानी है, उसके अंदर ये सारे इस पे कोई ब्लू इफेक्ट देना। जैसे ये मैं डालता हूँ, ये इफेक्ट मैंने लिया। अब मैं इस वीडियो को चलाता हूँ जहाँ पर मैंने ये इफेक्ट लिया है। ये देखो जहाँ पर ये मैंने इफेक्ट लिया है, ये देखो यहाँ पे ब्लू इफेक्ट आ गया है। ऐसे आप इफेक्ट डाल सकते हैं। अभी इस इफेक्ट को मैं रहने देता हूँ, और आप क्योंकि देखने में कितना अच्छा लग रहा है इफेक्ट, ये ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से रोशनी आ रही है। ऐसे आप पूरी वीडियो में इफेक्ट डाल सकते हो, आपकी पूरी वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जिस इफेक्ट चेक करो और डालो, ठीक है। और अब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप मान लो, जैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते आवाज़ चेंज हो जाती है, कुछ कहना कुछ चाहता हूँ और कह कुछ और देता हूँ, तो उसमें मुझे क्या करना है, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर के लिए चाहिए होता है माइक, जो माइक अभी मेरे पास है ऐसे ही माइक चाहिए होता है, और हम उसको वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं एक पहले छोटी सी वीडियो डालता हूँ, बनाता हूँ, अभी आप देखना। वॉइस ओवर किससे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये आपकी वीडियो है, ये मैं आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ, ये आपकी पूरी वीडियो है। आउच, ये आपकी, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये आपकी पूरी वीडियो है। अब इस वीडियो में दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है, ये आपका वीडियो का पार्ट है, और ये है आपका ऑडियो का पार्ट, ठीक है। ये आपका वीडियो का पार्ट है और ये आपका ऑडियो का पार्ट। चला गया, कोई नहीं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिटैच ऑडियो। डिटैच, जब आप इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, डिटैच ऑडियो पर, डिटैच ऑडियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियो को अलग कर देगा, ऑडियो को अलग कर देगा। ये मैंने डिटैच ऑडियो के इतने एरिया का इसने ऑडियो अलग कर दिया, वीडियो अलग कर दिया, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे वॉइस ओवर देना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो आप क्या करेंगे, अभी इसके अंदर क्या आ रहा है ये देखो, ये ठीक है। अभी इसमें जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, अब आप इसमें वॉइस ओवर करने जाते हैं, यहाँ पर ये माइक है, माइक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो ये माइक का जो आइकॉन आ रहा है ना बीच में, इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, ये है जम्मू का बहुत ही फेमस पार्क, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे झरना बह रहा है, और इसको देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस भाऊ फोर्ट के झरने का मज़ा लीजिए। आशा है कि आप इतने अच्छे दृश्यों को देख कर यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये मैंने इतना रिकॉर्ड किया, उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया, ओके कर दिया।
अब मैं आपको उसको प्ले करके सुनाता हूँ, जरूर आया होगा ये। अभी शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इसमें आवाज़ वॉइस ओवर नहीं हुई है, मगर ये वॉइस ओवर के लिए यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है वॉइस स्प्लिट करने का ऑप्शन, जिसमें आप वॉइस स्प्लिट करके दूसरी ऑडियो डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके, या इसी पर ही वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये वीडियो ऑलमोस्ट एडिटिंग के लिए तैयार हो चुकी है। एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ जो कोई नहीं सिखाएगा। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे कि जैसे ये वीडियो है, ये मैं इसको प्ले करता हूँ, ये प्ले कर रहे हैं, दूर का सीन दिखा रहा है, और आप चाहते हो कि ये वीडियो दूर भी जाए, जूम हो और फिर जूम इन हो फिर जूम आउट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रॉपर सेक्शन को इसको स्प्लिट कर लेंगे दो टुकड़ों में। ये मैंने इसको दो टुकड़ों में स्प्लिट किया। अब जो पहला सेक्शन है उस पर राइट क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन आता है कॉर्प एंड जूम, ये ऑप्शन देख रहे हैं कॉर्प एंड जूम का, ये ऑप्शन आता है। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, क्रॉपिंग एंड पैन एंड जूम। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें वीडियो को अगर बीच का हिस्सा लेना है सर थोड़ा सा, जैसे वीडियो में ये आपने देखा क्रॉप का ऑप्शन है और पैन एंड जूम का ऑप्शन है, पैन एंड जूम का ऑप्शन है, तो मैं इसको पैन एंड जूम पे क्लिक करूँगा। आप देखें इसमें दो विंडो दिखाई दे रही हैं, एक ये छोटी विंडो, एक ये बड़ी विंडो, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको बीच का हिस्सा लेना है, मैं पहले विंडो को इसको फुल स्क्रीन कर दूँगा, और छोटी विंडो को मैं जैसे कि ये बच्चा है इस बच्चे पर फोकस कर दूँगा। ठीक है, अब इसको मैं ओके कर दूंगा। अब ये क्या होगा, देखो जब मैं वीडियो रन प्ले करूंगा तो ये बच्चे के ऊपर फोकस होता हो जाएगा अपना। ये देखो धीरे 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 जूम हो रहा है, पहले ये जूम नहीं था, अब ये जूम होता हुआ जा रहा है, ये जूम होता हुआ जा रहा है। ठीक, अब ये वापस दूर हो गया है, तो इसकी ये ग्लिच है। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो ये आपको ग्लिच लगेगा। अब आप क्या करना है, दूसरी वीडियो को सिलेक्ट करना है उसके साथ में जो आपने कट किया, वापस क्रॉप एंड जूम पर जाना है और पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। अब आपको वही सेम विंडो दिखाई दे रही है ना, छोटी बड़ी, मगर अब आपको क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। जो छोटी विंडो है, बड़ी विंडो है, उसको तो आपको छोटा कर देना है, साइड में कर देना पहले, फिर बड़ी विंडो को ऐसे फैलाना है, जो पहले छोटी विंडो थी उसको बड़ा कर देना है, जो बड़ी विंडो थी उसको छोटा करके वापस वहाँ पर लाना है, उस बच्चे के पास लेकर आना है और ओके कर देना है। अब आप देखेंगे ये बच्चे यहाँ से, अब ये वीडियो देखेंगे आप, यहाँ से जूम होता हुआ जाएगा, ये जूम होता हुआ जा रहा है, ये धीरे 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 जूम होता हुआ जा रहा है, और जो अगला कट है जहाँ पर मैंने स्प्लिट किया था वहाँ से उसी जूम से वापस छोटा हुआ होता हुआ चला जाएगा। ये देखो, ये उसी कट से अब छोटा होता जा रहा है। ये किसी चीज़ किसी भी एरिया को हाईलाइट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैंने आप इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बेसिक एडिटिंग करने के लिए आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो इसमें इस तरीके से एडिट करके डाल सकते हो। ठीक है, अब आपका ये सब क्लियर हो गया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, नंबरिंग होगी आपकी, एंड स्क्रीन हो गई, बीच बीच में टाइटल डाल सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने हैं तो बीच बीच में डालते रहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब, वो भी आप इसी से ही डाल सकते हैं। टाइटल में कोई भी आप एक साइड में आने वाला छोटा सा वो ले सकते हैं, नंबरिंग
और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई छोटा सा लेता हूँ, ये लेता हूँ, इसको लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको पहले चला कर देखता हूँ ये कैसा आता है। ये आ रहा है, ये योर टाइटल हेयर। अब मैं इसको डबल क्लिक करके वही सेम एडिटिंग करूँगा और योर टाइटल हेयर पर लिखूँगा प्लीज सब्सक्राइब माय CFA चैनल। ओके करूँगा। अब इसको एडजस्टमेंट करूँगा, इसको एडजस्ट करने के लिए आगे पीछे कर दूँगा जैसे मैंने आगे पीछे किया। इसको जो ब्लू वाला बॉर्डर है बॉर्डर के अंदर ले आया हूँ मैं। अब आप देखो ये चलाने में कैसा लगेगा। अब ये ऐसा आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर देना है ना, तो इसको स्टॉप करेंगे, इसको जो आपने सब्सक्राइब वाला जो टाइटल बनाया उस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेस्ट करते रहेंगे। तो ये आपका थोड़ी थोड़ी दूर देर के बाद मैसेज आने लगेगा। थोड़ी सी वीडियो फिर मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये आया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर आएगा, जब ये लोग वीडियो देखेंगे तो आप उसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पॉप अप करने का। ये भी आप अपनी मर्जी के बना सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन के भी बना सकते हैं, वह फिर एडवांस हो जाएगी। ये वीडियो में इतनी लंबी है कि मैं उसको आपको कैसे सिखाऊंगा, थोड़े थोड़े पार्ट बनाने पड़ेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक वीडियो में सीखा। अब ये देखो दूसरी बार भी आ गया ना प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इस तरीके से आता रहेगा और आप इसमें एडिटिंग करते रहेंगे। अब ये आपकी एडिटिंग, बीच में नंबरिंग, लास्ट में नंबरिंग, ऑडियो एडिट करना, सॉन्ग डालना, ये सब इसका आपका कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, अब ये फाइल पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप इसमें और एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन है सेव प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप सेव कर देंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे जैसे LEARN LEARN एडिटिंग नाम रख दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब आप मान लो आप थक गए हैं, आप एडिटिंग करने का मन नहीं है अभी और इस काम को भी ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आपने ये सेव कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया। प्रोग्राम बंद करने के बाद अपना आराम किया आधा घंटा एक घंटा, या जब भी आपके पास टाइम है, काम पर जा रहे हो, ड्यूटी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आने के बाद फिर आपने वापस फिल्मोरा ओपन किया। फिल्मोरा ओपन करने के बाद अभी थोड़ा ओपन होता है फिर बताता हूँ। ये आपका जैसे फिल्मोरा ओपन किया, अब आपका फिर आ गया है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि जब नए हैं आप तो न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेव करके रखा हुआ है तो ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो भी है वो आ जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट सेव हुआ है, नहीं तो कैंसिल करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है आपकी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, यहाँ पर इधर शो करता है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो भी लास्ट काम किया होता है वो आपका शो करता है। जैसे मैंने अभी ये किया था, इसको कर सकते हैं, नहीं तो ओपन प्रोजेक्ट में जाके जहाँ पर भी आपने सेव किया है वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया लर्न एडिटिंग प्रोजेक्ट, ओपन किया ये पूरा का पूरा एज इट इज ओपन हो गया है, वही सेम
मैं इसको क्लोज कर देंगे। अब आपको इसमें कुछ और आपको याद है, मतलब आपने कुछ और करना था वो भूल गए हैं और कुछ रह गया है तो वो कर सकते हो। अदरवाइज इसको अब आपका लास्ट काम है एक्सपोर्ट करना, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि अब इसको वीडियो में सेव करना। अब आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में कितने ऑप्शन आ रहे हैं, मैं फिर इसको भी वैसे ही दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट है MP4, WMV, AVI, MOV, F4V, MKV, TS है वीडियो का, DVD का वो फॉर्मेट है, 3GP जो नोकिया का पहले मोबाइल आते थे उसका फॉर्मेट है, MPG2 पुराना वीडियो फॉर्मेट है, MP4 आज के लेटेस्ट वाला फॉर्मेट है, WMV विंडो मीडिया प्लेयर यानी कि विंडो मीडिया वीडियो है, AVI AVI तो आजकल सभी यूज़ करते हैं, MOV वीडियो वीडियो फॉर्मेट है सोनी का, उसके बाद वेब एम यूट्यूब पर यूज़ होता है, जिफ MP3, आप इन सबको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिवाइस, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिवाइस आईपैड के लिए, एप्पल टीवी के लिए, आईपॉड के लिए, गूगल पिक्सल के लिए, इन सब फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब, आप डायरेक्ट यूट्यूब में लॉग इन करके यहाँ से फाइल एडिट करके डायरेक्ट यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, उसमें टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और जो भी आपको टैग डालने हैं वो टैग डाल सकते हैं। बस यूट्यूब में आपको लॉग इन करना है इसमें। और ये वीमियो, जैसे आपने सुना होगा जैसे यूट्यूब है वैसे एक वीमियो भी है, उसमें भी डाल सकते हैं डायरेक्ट DVD, डायरेक्ट इसकी DVD बंद कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि बाद में कुछ एडिटिंग करके डालना है या बाद में शेड्यूल करके डालना है तो सीधा लोकल में जाके MP4 में या AVI में फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैं MP4 में करता हूँ। और उसके बाद अपनी फाइल का नाम देंगे, जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि BAHU बाहू FORT बाहू फोर्ट BAGH, ठीक है। अब ये जहाँ सेव करनी है वो लोकेशन दे सकते हैं, आप अपनी लोकेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद है वीडियो की रेजोल्यूशन की सेटिंग्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको घर में रखना चाहते हैं तो HD में भी कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे डालना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डालने के लिए आप जैसी आपको क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी में आप इसको कर सकते हैं। मैं नॉर्मली फुल HD में डालता हूँ, और आप इसके अंदर आप कस्टम भी कर सकते हैं और ये 4K तक में भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल फुल HD में करता हूँ, 1920x1080 पिक्सल में करता हूँ। और इसके बाद ये बिट रेट, जितना ज़्यादा बिट रेट होता है उतनी फाइल की साइज भी बढ़ जाता है और क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो इसको नॉर्मली आप इसको कस्टम करके भी इसको अगर आप जैसे इंटरनेट से फिल्में डाउनलोड करते हैं वो तो 600 KBPS 700 KBPS में होती है, तो आप 2000 KBPS या 4000 KBPS अच्छी क्वालिटी की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो में AAC फॉर्मेट है, इसको आप AAC फॉर्मेट में रखेंगे। अगर आप दूसरे कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें आप MP3 फॉर्मेट भी आ जाता है, फिर इसको आप ओके करेंगे। अब आपको ये साइज़ दिखाएगा कि आपके अगर आप इसको फुल HD में करेंगे तो ये इतना साइज़ लेगा। तो मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, साउंड रिमाइंडर यानी कि आपको साउंड बीप करेगा कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, और अगर आपकी वीडियो लंबी है पर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन है शट डाउन कंप्यूटर, कि जब आपकी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी तो आपको ये वीडियो को शट डाउन कर देगा, सॉरी आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी या आपका कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाएगा। और एक ये है तीसरा ऑप्शन डू नथिंग, यानी कि आपकी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी उसमें आप कुछ भी नहीं करेगा, बस नॉर्मली हो जाएगा। तो अभी इसको भी एडिट होने देते हैं, फिर देखते हैं, इसका थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ मैं। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, बिना लैगिंग की होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर मैंने ओरिजिनल परचेज किया हुआ है,
अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और आप इसको परचेज करना नहीं चाहते तो ये कैसे क्रैक होगा, उसके लिए कृपया मुझसे ना पूछें। इंटरनेट पे बहुत बहुत पायरेटेड बहुत कुछ अवेलेबल है, जितना मर्जी लोग कंपनियां जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप पर्सनल मुझे इनबॉक्स करोगे तो मैं भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरी पॉलिसी है जहाँ पर काम करता हूँ मैं वहाँ उस पॉलिसी के अगेंस्ट पायरेसी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अपने ग्रुप में बिल्कुल भी पायरेसी बर्दाश्त नहीं करता। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने फेसबुक के ग्रुप में एक दिन में 100-100 मेंबर्स को ब्लॉक करता हूँ। सोचो मेरे ग्रुप में कितने मेंबर होंगे जो मैं एक दिन में कभी कभी 100-100 मेंबर को ब्लॉक कर देता हूँ सिर्फ पायरेसी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो एडिटिंग डन हो गई है, अब मैं आपको दोनों वीडियो प्ले करके बताता हूँ कि दोनों वीडियो कैसी हैं। फाइन टारगेट पर जाता हूँ, ये रही एक वीडियो जो मैंने एडिट की है, पॉज करता हूँ फिलहाल और थोड़ी छोटी कर देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ओरिजिनल वीडियो ली, ओरिजिनल वीडियो को यहाँ डाला, पॉज, और ये वीडियो एडिटेड भी ये है, आप ये एडिटेड वीडियो है और ये रॉ वीडियो है, और आप दोनों को देखो। सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और जो बीच बीच में मैंने इफेक्ट डाले थे वो भी आएंगे, अभी एक आध अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ये यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइब का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने एक कलर इफेक्ट डाला था, ब्लू कलर का इफेक्ट डाला था, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का इफेक्ट है, यहाँ पर नहीं है। और एक और इफेक्ट दिखाता हूँ जो मैं लास्ट में डाला था, शायद जूम का कुछ इफेक्ट डाला था ना, देखो इसमें जूम हो रहा है ना, ये जूम हो रहा है और ये वापस जूम हो रहा है, फिर जा रहा है, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये देखो इसके अंदर ऐसा क्या ऐसा ही है। तो दोस्तों ये था फिल्मोरा का ट्यूटोरियल, इस ट्यूटोरियल से आप एडिटिंग करना तो पक्का सीख सकते हो।
और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना। मैंने तो इसमें बड़ी एडवांस एडवांस एडिटिंग की है, मगर आप बेसिक एडिटिंग तो कर ही सकते हो, उसके बाद बाकी की धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।